नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत, जहां होती हैं अयोध्या और उसके आसपास से जुड़ी कुछ खास खबरें। अभी खबर अयोध्या से। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम हुआ संपन्न। जी हां, अयोध्या में फैजाबाद पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि अयोध्या के महापौर माननीय महंत गिरीश पति त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि श्री निवास शास्त्री, प्रधानाचार्य श्री वेदांत विद्यापीठ संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय अयोध्या रहे। मशाल प्रज्वलन के बाद विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमती जरीना खान ने मुख्य अतिथि को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर के स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और प्रबंधक श्री उमर मुस्तफा ने श्रीनिवास शास्त्री को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर स्वागत किया। स्वागत गीत के पश्चात खेल का शुभारंभ हुआ और मार्च पास्ट के पश्चात प्राइमरी कक्षा पांच तक के विभिन्न दौड़ जैसे बैलेंस, एक पद दौड़ आदि का आयोजन किया गया और कक्षा से 6 से 11 तक के छात्रों के बीच 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, शॉट पुट, भाला फेंक, रस्साकसी, कराटे, पिरामिड, योगा, स्केटिंग, वेल ड्रिल आदि खेलों का आयोजन किया गया और इसके बाद अंत में चारों सदनों के प्रतिस्पर्धा के बीच केंद्रीय सदन प्रथम और वुडपेकर सदन द्वितीय स्थान पर रहे। सभी अभिभावकों और गणमान्य अतिथियों ने मुक्त कंठ से बच्चों के बहुमुखी विकास पर प्रसन्नता जाहिर किया और मुख्य अतिथि महापौर ने छात्रों को क्रीड़ा कौशल को देख करके गदगद छात्रों और शिक्षकों और प्रबंध समिति की भूर भूर प्रशंसा की और इस कहते हुए कहा कि विद्यालय के छात्रों की क्रीड़ा क्षमता को देख कर बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और विद्यालय के प्रबंधक श्री उमर मुस्तफा के प्रबंधन को देख कर विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में पुरस्कार वितरण के पश्चात प्रबंधक श्री उमर मुस्तफा ने मुख्य अतिथि और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दिया और न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि विद्यालय के ने जस से लेकर इसरो और वैज्ञानिक और आईआईटी और जियो साइंटिस्ट और आईएएस के छात्रों का संवर्धन किया। भविष्य में यह विद्यालय छात्रों के बहुमुखी विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में समाज और क्षेत्र की सेवा करता रहेगा और विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय इकबाल मुस्तफा साहब के सपनों को साकार करता रहेगा। डे पे एनुअल स्पोर्ट्स डे पे आए थे और बहुत अच्छे वातावरण में बच्चे एक दूसरे की प्रतियोगिताओं में अपने खेल संबंधी स्किल्स को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, बच्चों के एक लर्निंग प्रोसेस भी देखने को मिला और उनकी स्किल्स का भी देखने को यहाँ पे अच्छा अवसर मिला और फैजाबाद पब्लिक स्कूल में एक अच्छा खेल का वातावरण और एक अच्छा शिक्षा का वातावरण यहाँ पर बना रखा है। तो अयोध्या के मेयर तो बाद में हुए हैं, उसके पहले मैं यहाँ के एथलेटिक्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी था। तो खेल को लेकर और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जाना, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़ी एक प्रतियोगिता भी कराई थी, हम लोग वहाँ पर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई, तो कुल मिला के खेल का वातावरण बनाने का प्रयास है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्रयास है जिससे धीरे धीरे खेल का वातावरण और अच्छा हो जाए। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में बड़े धूमधाम से स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ जिसमें सभी अभिभावक, बच्चे, उनके सबके साथ ही उनके दोस्त सब लोग यहाँ मौजूद थे और सभी ने हर्षोल्लास के साथ, मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण किया, जिसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या-क्या तरह के खेल हमारे यहाँ थे? छोटे बच्चों के लिए रेसेस थी, हर्डल रेस थी, शॉर्ट पुट की प्रतियोगिता हुई, इंटर हाउस के कई कई कार्यक्रम हुए, कराटे हुआ, तमाम तरह के जितने भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं आज आधुनिक दुनिया में, उस तरह के हर तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए और मैं सभी का धन्यवाद इसके लिए व्यक्त करता हूँ। चीफ गेस्ट हमारे यहाँ मेयर साहब गिरीश पति त्रिपाठी जी थे जिनके कार्यक्रमों से हम यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करते हैं।